सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके एलिमेंट, PNG, मोकअप या फोन वगैरह यूज़ करते हो, डाउनलोड करते हो, तो वो सब आपको एक ही वेबसाइट में मिलेगा। और बहुत कमाल की वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है। और इस वेबसाइट का नाम है गाइस रॉ पिक्सल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रॉ पिक्सल करके, तो ये जो पहला लिंक है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ इस वेबसाइट ये जो है ओपन हो जाएगी। और बहुत कमाल की वेबसाइट है, मज़ेदार वेबसाइट है। यहाँ से आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है इसका, फ्री भी है, बट मैं आज यहाँ पे सिर्फ फ्री यूज़ करूँगा क्योंकि फ्री में ही आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको प्रीमियम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ इन्होंने होम पेज पे ही अपनी स्क्रीन पे ही इन्होंने कुछ डिज़ाइन अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और इससे ही नहीं, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी कुछ है। ऊपर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे टॉपिक पे आप जाओगे तो हर टॉपिक की अलग अलग आपको कैटेगरी मिल जाएगी। फोटो, PNG, ग्राफिक्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत ईजी है इसे डाउनलोड करना, यूज़ करना। सपोज मैं अभी टेम्पलेट पे चलता हूँ और जैसे मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी टेम्पलेट मिल जाएगी। और इन टेम्पलेट्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो डिज़ाइन हैं ये ट्रेंडी डिज़ाइन टाइप के हैं, क्योंकि अगर आप इस वाले डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए कितना मतलब यूनिक है, ट्रेंडी है, क्योंकि इस टाइप के ही ये प्लास्टिक इफेक्ट और ये मतलब शेप टाइप के एलिमेंट्स ये सब चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये भी देखिए कितना डिज़ाइनिंग है। तो काफ़ी कुछ है इस वेबसाइट पे, जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको कि आप सोशल मीडिया के लिए लेना चाहते हो, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करके सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं करूँ अगर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स मुझे मिल जाएंगे और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ये। इनको मैं अपने हिसाब से एडिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो फाइल मिलेगी प्रॉपरली ओपन फाइल मिलेगी, शॉर्ट फाइल मिलेगी, जिसको आप PSD में जाके, फोटोशॉप में जाके इजीली आप एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिलेगी, जैसे स्टोरी के लिए आपको चाहिए कुछ तो यहाँ स्टोरी लगाने के लिए, आप इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड आपको चाहिए, मतलब बहुत कुछ है इस वेबसाइट में गाइस। और यहाँ आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे अगर आपको फ्री चाहिए तो मैं फ्री पे क्लिक कर दूंगा और अब ये जितना भी कुछ आपको दिख रहा है ये सब फ्री है, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें फ़ोटोज़ चाहिए आप यहाँ पे फ़ोटोज़ देख सकते हो, जो फ़ोटो आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मॉकअप चाहिए गाइस, मुझे इस वेबसाइट के मॉकअप बहुत पसंद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मॉकअप कितने सफाई से इन्होंने बना रखे हैं। मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने पहले भी एक डाउनलोड कर रखा था, मैं फिर से इस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं चलिए। और यहाँ इन्होंने बता दिया कि इसकी जो फाइल है किस फॉर्मेट में मिलेगी, ये PSD के फॉर्मेट में मिलेगी। और यहाँ अभी तक हमारा मॉकअप डाउनलोड हो रहा है, हम और कुछ देखते हैं यहाँ पर चल के। यहाँ आपको और भी टेम्पलेट्स मिल जाएगी, टेम्पलेट्स हैं यहाँ, लोगोज हैं। अगर आपके पास टाइम कम होता है और आपको बहुत अर्जेंट में लोगो बनाना होता है या चाहिए होता है, ठीक है, तो ईजिली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके एडिट भी कर सकते हो, प्रॉपरली फ्री है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोगो के कुछ इफेक्ट भी हैं, अगर आपको लोगो इफेक्ट देखने हैं तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ इधर आपको लोगो के इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे ये 3D में आ गया, ये मेटल शेप हो गया, और भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। कुछ और भी ऑप्शन है लोगो के, जैसे विंटेज से रिलेटेड आपको लोगो चाहिए, ठीक है, म्यूजिक लोगो हो गया, फूड हो गया, तो काफ़ी कुछ है कहने का मतलब इस वेबसाइट में। ये पैटर्न है, अगर आपको पैटर्न भी चाहिए तो यहाँ आपको पैटर्न भी मिल जाएंगे और बहुत कमाल के पैटर्न है। इनको मैं अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करता हूँ। ये हमारा ये भी यूज डाउनलोड हो गया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा मॉकअप हमारा ओपन हो गया, अब इसको हम देखते हैं कि कैसा ये बना है। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा, फाइल ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ से सेट कर दूंगा और उसके बाद हमें प्रेस करना है Ctrl+S। और जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस कर दोगे यहाँ पे सेव हो जाएगा। और चलिए देखते हैं चल के कैसा डिज़ाइन बना हमारा। अभी ये सेव हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फाइल बड़ी है ये और मॉकअप भी क्वालिटी वाइज है तो थोड़ा टाइम तो लेगा। और देखिए कितना अच्छा बारीकी से उन्होंने डिज़ाइन बना के दिया, मॉकअप बना के दिया है। इस पर अगर देखें जो फ्रेम की शेडो तक यहाँ पे आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा लग नहीं रहा कि ये अलग से कोई मतलब इमेज प्लेस कर रखी है,
प्रॉपर ये फ्रेम टाइप का लग रहा है ये, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये, क्योंकि हमें अपने डिजाइनिंग में बहुत जल्दी जल्दी हमें सब कुछ करना होता है और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, काफ़ी काम होता है हम लोगों के पास, तो हमें तो ऐसा ही कुछ है कि जिसमें हमारे को काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लिया, अगर आप ऊपर भी आ जाए तो यहाँ भी आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको खुद ही फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट के लिए अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं तो वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। ट्रेंडी फ़ॉन्ट चाहिए, पॉपुलर चाहिए या न्यू फ़ॉन्ट चाहिए, जो भी आपको फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फ्री के भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा कुछ ऐसी वेबसाइट ऐसे ही हेल्पिंग ग्राफिक क्लास को लेकर। तो तब तक के लिए गो ग्राफिक्स, बी ग्राफिक्स।